कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां कुछ जिलों में वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब संपूर्ण लॉकडाउन की भी नौबत आ गई है। इसके अलावा कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का उपाय भी किया जा रहा है। हालांकि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद भी ज्यादातर लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। सीएम सिटी गोरखपुर में पिछले एक सप्ताह से लगातार खबर अब तक की 3 लोगों को मास्क पहनने और कोविड-19 के मानकों का पालन करने के लिए जागरूक कर रही है। हालांकि लोगों को बार बार जागरूक करने के बाद भी अधिकतर चेहरों पर मास्क नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों पर खबर अब तक की टीम ने कुछ डॉक्टर्स से भी चर्चा की है। खबर अब तक से बातचीत के दौरान डॉक्टर आर एन सिंह और डॉक्टर आर पी त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है, उसे आप भी सुनिए। कि जब बीमारी मार्च 2020 में आई थी तो जितनी बीमारी नहीं थी उससे ज्यादा लोग भयभीत थे। इतना भयभीत थे कि आपको बिना मास्क के कोई चेहरा नजर नहीं आता था। वो लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन सरकार भी भयभीत थी। तो लोगों में जब बीमारी तो थब भी थी, कम थी, लेकिन भय ज्यादा था। इसलिए आपने उस साल काफी हद तक नवंबर तक आते आते कंट्रोल कर लिया। अब ये जो मार्च में जो ये सेकेंड वेव कह लीजिए या थर्ड वेव कह लीजिए, ये जो मार्च में जो वेव आई है, आज की तारीख में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीमारी पहले की बनिस्पत कई गुना ज्यादा है और भय या उसके प्रति सजगता 1% नहीं है। मनुष्य का स्वभाव होता है, दो चीजें हैं उसमें। एक तो ये कि वो बंधन बहुत दिन तक स्वीकार नहीं करता, उस बंधन से वो मुक्त होना चाहता है बिना ये जाने हुए कि वो मुक्ति उसके लिए घातक हो सकती है, प्राण घातक हो सकती है। दूसरी चीज की एक और कहावत है कि महाजनो येन गतः स पंथा, महान लोग जिस रास्ते पर चलते हैं वही आपके लिए उत्तम पथ है। हमारे समाज में महान लोगों की श्रेणी में हमारे जो प्रदर्शक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं और मरीजों के सीधे संपर्क में रहने वाले चिकित्सक, अगर ये नियमों का पालन करें, संदेश दें कि ये चीजें जरूरी हैं, तो निश्चित उसका प्रभाव पड़ेगा। संभव है थोड़ा समय लगे, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता होगी। कुछ लोग देख करके सीखेंगे, कुछ बताने से सीखेंगे, कुछ पढ़ करके सीखेंगे और बाकी लोग समाज में जो उसके पथ प्रदर्शक हैं समाज के, वो इस चीज़ को कार्य रूप में परिणित करके दिखावें और लोगों से अनुरोध करें, आग्रह करें। कभी कभी अनुनय विनय करने पर बात नहीं बनती है, तो समाज में कभी कभी ऐसा भी होता है, कठोरता बरतनी पड़ती है तब लोग मानते हैं। तो ये हर चीज़ का एक मिश्रण होना चाहिए और बिल्कुल ठीक होगा, सुधरेंगे लोग।